हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर हम ट्रेडिंग में सर्च करते रहते कोई ऐसा पेनी स्टॉक मिल जाए जिससे हमको मल्टी बैगर, जिसमें आसानी से हम पैसे बना सके, जो मल्टी बैगर बाद में शामिल माध्यम मल्टी बैगर मैसेज, जैसे आपका आप अडानी ग्रीन की बात करते हैं कितना बड़ा मल्टी बैगर बन गया, आपका सिम्फनी की बात करते हैं कितना, इस तरीके से ही बहुत सारी कंपनीज होती हैं। लेकिन इन पेनी स्टॉक्स को राइट टाइम पर आइडेंटिफाई करना, फिर इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ये डिफिकल्ट टास्क होता है। और हर पेनी स्टॉक भी ध्यान रखिएगा, हर पेनी स्टॉक आपका अडानी ग्रीन या आपका सिम्फनी नहीं बन जाता। इसके लिए हो सकता है कि आप कई सारे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई एक आपका अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कभी पेनी स्टॉक्स में अपने कैपिटल का बहुत ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट मत करें। एक छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट किया करें जिसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है पैसे बिल्ड करने में। फिर बात करते हैं ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में। अब जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी का नाम है अंबालाल साराभाई इंटरप्राइज। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है अंबालाल साराभाई इंटरप्राइज, और देखते हैं आज की डेट में कंपनी 35.10 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, जो आप देखते हैं 6.36% आज मार्केट में ये अप थी। फिर बात सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी डील क्या करती है, कंपनी है किस इसके बारे में, क्योंकि बिना उसके समझे हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो आप देखते हैं कंपनी जो है आप डील करती है फार्मास्यूटिकल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें 66% रेवेन्यू जो है इसका कंपनी का था फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से, और 37% रेवेन्यू जो कंपनी का था इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से। इसके अलावा कंपनी का बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स में जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे काफ़ी पैसे इसने अर्न, जैसे काफ़ी कंपनी को अर्निंग होती है। इसके बाद कंपनी के बाद आप देखते हैं मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल है, साथ में इनके पास इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अवेलेबल है, और अभी हाल ही 2021 में लैंड को सेल किया जिससे काफ़ी प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। फ्रेंड्स, ये बात हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी किस सेक्टर में बिलोंग करती है। फिर बात है कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी क्या पैरामीटर्स है, कैसे कैसे क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, फिर बात है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, कंपनी कभी स्ट्रेंथ जब चेक की जाती है तो बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं, इसमें जो सबसे मेन स्ट्रेंथ दिखाई देती है वो देखिए कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, और कंपनी के प्रमोटर से कितना अपना जो इक्विटी है प्लेस पर रखा है, दांव पर रखा हुआ है। दादा, इस कंपनी के पास लो डेप्थ है, यानी कर्ज बहुत कम है, प्लस कंपनी के जीरो प्रमोटर है, मतलब कोई भी प्रमोटर जितने हैं उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, अगर क्योंकि प्रमोटर्स के शेयर्स गिरवी नहीं रहे, दैट मीन्स क्या, कंपनी में पोटेंशियल है, तभी इसके प्रमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट रिसेंट टाइम में कर सकता है, और रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया भी है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस पॉइंट की, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वीकनेस की बात करते हैं, क्योंकि जब आपको स्ट्रेंथ पता हो तो वीकनेस भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी का आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट कर रही है, प्लस एक आपकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी वाइड और थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब कॉस्ट यहाँ बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होगा ही। बात करते हैं कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस आप देख सकते हैं 34.76% अवे है अपने 52 वीक हाई से, सेम आपका 28% आपका अवे है 52 वीक लो से। आप देखते हैं बुलिश मोमेंटम आपका है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज उनके ऊपर ये चल रहा है, और आउट परफॉर्मेंस इंक्रीज बाय 3.5% लास्ट वन मंथ पे, इसने अभी 3.54% का रिटर्न दिया, जहाँ पर निफ्टी ने आपका बहुत कम परसेंट दिया, निफ्टी केवल आपका 0.3% ही रिटर्न दिया लास्ट वन मंथ पे। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तब जैसे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है इसमें 30.676 जो होल्डिंग्स है ये अभी प्रमोटर्स के पास है, बाकी होल्डिंग्स जो है आपके क्लाइंट के पास है, दैट मीन्स रिटेल इन्वेस्टर के पास है। FIIs की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कोई भी इसमें होल्डिंग नहीं है। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कंपनी जिस सेक्टर में बिलोंग करती है, इसके पीयर कंपैरिजन कौन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीयर कंपैरिजन जाना कि मार्केट में इनके कंपटीटर कौन कौन है। तो अगर आप इनके कंपटीटर की बात करते हैं तो कंपटीटर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं, लॉरेस लैब्स है, अजंता फार्मा, एरिस लाइफ साइंसेज, कैपलिन, अमृतांजन, हिस्टर, मेडिकेमिकल बायोटेक, इन सबकी प्राइस आप देखते हैं कि जो ट्रेडिंग प्राइस है काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस से, और इनका इनकी जो ट्रेडिंग वैल्यू कितनी आपकी कम है, इसलिए इन सेक्टर्स में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ये काफी अच्छा मूवमेंट हमको देख सकता है, मतलब ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तो कोई टेक्निकल्स बात हो गई, अब चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई भी चीज चार्ट में ज्यादा विजुअल होती है कि चार्ट पे कैसा ये रिस्पांस कर रहा है। तो देखते हैं कि हमने अंबाला साराभाई इंटरप्राइज का डेली चार्ट ओपन किया हुआ, डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है,
रिसेंट टाइम में दो बार टेस्ट कर चुका है और इसके ऊपर फिर से, और जो लेटेस्ट स्विंग है इसके ऊपर भी इसे ब्रेक करके वापस रिटेस्ट कर लिया है। दैट मीन एक अच्छा मोमेंटम को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं एक और, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक सिंपली अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन पे देखा कि एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे। अगर चार्ट को कन्वर्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड लाइन और आपको क्लियर होगी कि मार्केट ने किस लेवल किस ट्रेंड लाइन पर ब्रेक किया हुआ है। तो ये आपका करंट ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जो पोटेंशियल टारगेट, पहला टारगेट पोटेंशियल आपका 48 रुपीज का ही पहला आपका टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को भी निकलता है तो वैसे तो ये लेवल जो आपका वापस जो 67 रुपीज आपका आपका ये हाई था, ये वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर, दैट मीन्स यहाँ से पूरा 100% मूवमेंट देने के चांस है। करंट मार्केट प्राइस में 35 रुपीज इसका है, तो यहाँ से आपका 67 या 70% 70 रुपीज आपका हो जाता है, तो आपका दैट मीन 100% रिटर्न आपको इस सेक्टर में मिल सकता है। उस केस में जब भी आपको यहाँ पे मिल जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, 50% प्रॉफिट जो है बुक करके बाकी 50% क्वांटिटी को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, हमेशा इन द सेंस 2 साल 4 साल के छोड़े, क्योंकि आपके जो जो भी अपने पैसे लगाए तो पैसे आपके फ्री हो गए। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तब काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे। बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस के, स्टॉप लॉस में आप देखेंगे जो ये स्विंग लो है इसी जो ये इंपॉर्टेंट बेस है एक सपोर्ट है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होते हैं तो आपको इस शेयर से निकल जाना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, देखिए आप इससे बहुत ही सिंपल 35 रुपीज़ का एक शेयर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करनी, ध्यान रखिए पेनी स्टॉक्स में कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं की जाती है। इसमें एक छोटा सा अमाउंट आप सपोज कर 100 शेयर्स आपका नॉर्मल 100 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3,500 रुपीज़ आएगा। दैट मीन्स आप 100 शेयर या 50 शेयर्स बाय करके छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेनी स्टॉक्स में कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए, छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे काफ़ी अच्छा पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं होगा। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, मार्केट ने मूव नहीं दिया, स्टॉक मूव नहीं दिया तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आप फंस जाएंगे। और इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं बहुत तेज मूवमेंट करते हैं, एक ही दो दिन में आप काफी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं और फिर वापस नीचे भी आ सकते हैं। लेटेस्ट अगर स्विंग देखेंगे तो आपको लास्ट टाइम में जब यहां से स्टार्ट हुआ था आप देखते हैं एक तरफा मार्केट ने इतना हाई बनाया था, दैट मीन 17 रुपीज से लेकर आप 67 रुपीज तक एक तरफा बनाया था विदाउट एनी रेड कैंडल्स, तो इस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये शेयर जो समझ में आ गया होगा, इसकी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, कैसे आप इसको प्लान कर सकते हैं, तो एक छोटा सा पोजीशन आप बना सकते हैं। आप चाहे तो ध्यान रखिएगा ये मेरा आपको सजेशन है, राय मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बाय करिए, आप सजेशन आप अपने जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है जो भी आपके चार्ट रीडिंग है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पोजिशन इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर ट्रेड्स का अपडेट पोस्ट करते हैं, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो मिलता है अगले वीडियो में, मैंने अलसा पूरा देखने के प्यार पूर्वक धन्यवाद।